घर आइएगा तो बोलिएगा। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं आपको पीएचडी परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का हम पार्टियल स्टॉक टेस्ट करते हैं फील्ड से, लोकल में, हार्ट के थ्रू। तो इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ वाल के बारे में कि कौन कौन सा हमारा मटेरियल वाल में यूज़ हुआ है, कौन सा मेक है, उस मेक के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये एक्सट्रूडर देख रहे हैं, इसका जो है हम लोग सिंगल एक्टिंग न्यूमेटिक एक्सट्रूडर जो है, न्यूमेटिक फेल क्लोज है। ये न्यूमेटिक एक्सट्रूडर है जो सिंगल एक्टिंग है, ये आपका प्रो कंट्रोल का है। इसका जो है मैन्युफैक्चर जो है वो प्रो कंट्रोल है। और ये ऊपर जो देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारा ये लिमिट स्विच है। इसको हम लोग लिमिट स्विच बॉक्स पोजीशन लिमिट स्विच बॉक्स बोल सकते हैं, जो इस मेक जो है इसका सोल्डो का है, सोल्डो कंपनी का है ये मेक इसका। और ये एक और जो है आपको जो बीच में एक और जो दिखाई दे रहा है, ये वो भी हमारा फिशर का है। इसको हम लोग जो है फीडबैक यूनिट फॉर रिमोट माउंटिंग पोजिशनर हम लोग उसको कहते हैं, वो मेक जो है उसका फिशर का है, ये फिशर का है। चार बजे तक रुके थे तो खाना। और ये हमारा जो देख रहे हैं वो न्यूमेटिक बूस्टर है, एग्जस्ट रेगुलेटर है ये हमारा। और ये चीज़ जो है ये बाय डायरेक्शनल फ्लो रेगुलेटर इसको हम लोग कहते हैं। और ये हमारा रिलीफ वाल है, अगर ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज मतलब होगा तो ये हमारा इधर से रिलीज़ हो जाएगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये शाबो का फिल्टर रेगुलेटर है, ये फिल्टर रेगुलेटर है। और यहाँ स्क्रैप्ट का जो है ये गेज लगा हुआ है, जिसमें हमारा 10 केजी तक का है, तो 10 केजी तक का प्रेशर तक का हम ये है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी 4 केजी ही यूज़ 4 केजी मैक्सिमम लिया हूँ इससे सप्लाई एयर का। ये हमारा पोजिशनर है, ये पोजिशनर है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्मिनल बॉक्स है जो हार्ट के हार्ट इसके अंदर हम हार्ट लगाते हैं। हार्ट लगाने के बाद ये जो लगा हुआ हमारा हार्ट है, इसके थ्रू हम जो है इसका कैलिब्रेशन, मैनुअल कैलिब्रेशन, ऑटो कैलिब्रेशन या हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ, जो भी हमको चेक करना है वो इसके थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा रिमोट माउंटिंग पोजिशनर है जो इस फीडबैक के लिए यूज़ हुआ है। दूसरा वीडियो और ये हमारा जो है ये देख रहे हैं, ये बॉडी जो है वाल का वो हमारा बॉल वाल है। और ये हमारा रोटरी जो है टाइप का है ये है। और ये हमारा जो है ये पिस्टन टाइप का है, ये जो एक्चुएटर है वो पिस्टन टाइप का है। और ये हमारा मोमेंट जो होता है वाल का वो रोटरी होता है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो एक साइलेंसर है। एक साइलेंसर आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, एक साइलेंसर है, उसको भी हम लोग साइलेंसर कहते हैं। तो इस हिसाब से आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे जान लिया। ये हमारा इसके अंदर ये दो केबल है, इसके अंदर जो है हमारा 24 सप्लाई आता है और SOB में। और जब हमारा SOB के अंदर कनेक्ट रहेगा केबल, तो इसके अंदर हमको जो है 7 वोल्ट हमको मिलेगा। SOB एनर्जाइज होने पर ही हमारा ये वाल ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हमारा ये दोनों DO, इसको हम लोग DO सिग्नल हम लोग कहते हैं। DO मतलब डिजिटल आउटपुट सिग्नल है। और यहाँ पर दो केबल यूज़ किया है, एक ये पोजिशनर में, तो एक हमारा कमांड के लिए, एक फीडबैक के, जिसको हम एक AI, एक AO एनालॉग आउटपुट है, एक एनालॉग इनपुट है। और इससे हमारा जो एक केबल गया है वो 4 वायर के लिए यूज़ किया है, वो हमारा रिमोट मतलब बताएगा कि ओपनिंग में हमारा कितना रेजिस्टेंस रहेगा, क्लोज में कितना रेजिस्टेंस रहेगा। इसके लिए हम जिसको वाल के मोमेंट के हिसाब से ये फीडबैक हमको देगा, ठीक है। और आप फिर लिमिट स्विच के लिए भी 2 केबल, एक ओपन के लिए, एक क्लोज के लिए। लिमिट स्विच के लिए भी 2 केबल यूज़ हुआ है, एक ओपन के लिए, एक क्लोज के लिए। तो ये सारा चीज़ मतलब इसमें दिया गया हुआ है,
सारा फीडबैक है हमारा, 6 फीडबैक इसमें जो है ना यूज़, 6 सिग्नल यूज़ किया गया है इस वाल में। तो अपने वाल के बारे में बहुत मतलब थोड़ा बहुत जाना, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आपको किस तरह पीएचटी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है हार्ट के थ्रू, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।